हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम 11th स्टैंडर्ड में बेसिक मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन आगे बढ़ाते हैं। तो आज भी हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री, ओके। और आज का मेन टॉपिक रहेगा यूनिट सर्कल। मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, उसकी जो रेडियस है वो यूनिट मतलब वन है, ठीक है। चलो तो यूनिट सर्कल अच्छे से समझते हैं। तो मैंने एक रेफरेंस लाइन ले ली, सपोज इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस को, जो यहाँ से मतलब ओरिजिन से जो स्टार्ट हो रही है और राइट हैंड साइड पे जो जा रही है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस मैंने एज ए रेफरेंस लाइन सिलेक्ट की, ओके। यहाँ से जो एंगल बनता है वो अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो मैं एंगल की वो डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन लूँगा, और अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। चलो तो ये रेफरेंस लाइन है, उसके साथ यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, ये पोजीशन सर्कल की जीरो एंगल बनाएगी, ओके। यहाँ से घूमते 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 इधर आए तो ये पोजीशन क्या एंगल बनाएगी, सोचो ये लाइन और ये लाइन के बीच में एंगल 90 डिग्री, ओके। तो ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, अगर इतना घूम के आए तो यहाँ पे 180 डिग्री और यहाँ पे 270 डिग्री। उसके बाद तो यहाँ पे आएगा 360 डिग्री, 90 ऐड करो, 360 प्लस 90 तो यहाँ पे बनेगा 450 डिग्री, यहाँ पे 540 डिग्री, यहाँ पे आते आते इसमें आप 90 ऐड करो तो 630 डिग्री, और 630 में 90 ऐड करो तो 720 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज जाते जाएंगे वैसे वैसे एंगल बढ़ता जाएगा। 0 डिग्री से स्टार्ट करके एक सर्कल कंप्लीट करो, 360 डिग्री होगा, ओके। यहाँ तक हमें पता है। इन्हीं एंगल्स को हम रेडियन में लिखते हैं, तो रेडियन में लिखे तो यहाँ पे रेडियन आएगा 0, यहाँ पे रेडियन बनेगा पाई बाई 2, 180 रख दो, पाई की जगह पे आपको फिर से 90 डिग्री मिल जाएगा। यहाँ पे रेडियन में एंगल बनेगा पाई, और यहाँ पे 3 पाई बाई 2, यहाँ पे आते आते ये 2 पाई बनेगा, इधर वापस 3 पाई, इधर 4 पाई, इधर वापस आएगा 0, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, यहाँ पे आएगा 5 पाई, इस तरफ आएगा ऑड नंबर ऑफ पाई, उधर इवन नंबर ऑफ पाई। यहाँ पे पाई बाई 2 बना था, यहाँ पे 3 पाई बाई 2, तो यहाँ पे बनेगा 5 पाई डिवाइड बाई 2, यहाँ पे बनेगा 7 पाई डिवाइड बाई 2। हर एक जगह पे जहाँ पे रेडियन मेजरमेंट है वहाँ पे पाई की जगह पे 180 रख दो तो आपको इक्विवेलेंट एंगल मिल जाएगा डिग्री में, ओके। चलो इतना पार्ट याद रखते हैं, चलो ये हटा देते हैं, चलो ओके। अब ये सर्कल में साइन क्या है, कॉस क्या है, ये दोनों चीज़ें हमें समझनी है। साइन और कॉस पता चल गया, टेन कॉस ए कॉट सब कुछ इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो सपोज कोई एक पोजीशन मैं सिलेक्ट करूँ कुछ ऐसी, यहाँ पे कोई एक पोजीशन है पी, और अगर ये यहाँ से जो डिस्टेंस है वो रेडियस है, तो रेडियस तो हमने ली है यूनिट मतलब वन। तो ये पोजीशन अगर पी है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सोचो। यहाँ पे सपोज एंगल बन रहा है 30 डिग्री, तो फर्स्ट टाइम मैं एक काम करता हूँ, जो ओरिजिन है उसको मैं नाम दे देता हूँ ओ, और यहाँ पे ये एम, कोई भी एक नाम दे दिया है। अब मैंने जो आपको फॉर्मूलाज लर्न कराए थे लास्ट लेक्चर में उसका यूज़ करो, तो साइन 30 इक्वल टू क्या मिलेगा, ऑपोजिट साइड मतलब पी एम, और डिवाइड बाई एडजस्ट सॉरी हाइपोटेनियस मतलब वन, तो पी एम खुद क्या बन गया, साइन 30, ठीक है ना। और अगर मैं cos 30 लूँ तो adjacent side OM divide by hypotenuse, hypotenuse तो ये 1 है, तो ये OM क्या बन गया, खुद cos 30।
तो 30 की जगह पे अगर यहाँ पे थीटा एंगल होता तो, अगर यहाँ पे थीटा एंगल होता तो फिर इसका जो x प्रोजेक्शन है, x एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है OM, वो बन जाता cos 30 की जगह पे cos थीटा। मतलब जो फर्स्ट है वो क्या बनेगा, cos थीटा, और जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या बनेगा, sin थीटा। क्योंकि y कोऑर्डिनेट मतलब ये हाइट, और ये हाइट कौन सी है, PM, और PM क्या मिलता था, साइन 30। अगर एंगल होता 30 डिग्री, यहाँ पे एंगल मैंने ले लिया थीटा, तो यहाँ पे भी आ जाएगा थीटा। तो किसी भी पोजीशन के लिए कोऑर्डिनेट्स बनने वाले हैं कॉस थीटा साइन थीटा। अब थीटा वेरिएबल है तो ये कोऑर्डिनेट्स भी वेरी होते रहेंगे, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अभी एक चीज समझते हैं, कॉम्प्लीमेंट एंगल्स। सपोज मैं एक ट्राइंगल बनाऊं, समझना अच्छे से, सपोज मैं एक ट्राइंगल बनाऊं और जिसका बेस मैं कुछ इस तरह रखता हूं। चलो तो ये है थीटा, ये ट्राइंगल का मैं नाम दे देता हूं ए बी और ये सी। तो साइन थीटा मुझे क्या मिलेगा, ए बी अपॉन ए सी, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, एडजेसेंट साइड बी सी अपॉन ए सी, ये एडजेसेंट साइड और ये हाइपोटेनियस। बट इसी ट्राइंगल को मैं कवर करके एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दूं, तो जो इधर एंगल बनेगा वो कौन सा होगा, तो ये एंगल आपको भी पता है 90 माइनस थीटा होगा, ये समझ में आया। अभी मैं चेक करता हूं कि मुझे साइन 90 माइनस थीटा क्या मिलता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या मिलेगा। तो यहाँ पे एंगल है ना 90 माइनस थीटा, तो ये ऑपोजिट साइड रहेगी। अब ये ऑपोजिट साइड मतलब इतना, ये डिस्टेंस कौन सा है, बी सी, क्योंकि ये रेक्टेंगल बना ना, तो ऑपोजिट साइड जो है वो सेम मिलेगी आपको। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू इसकी ऑपोजिट साइड, मतलब ये लेंथ है बी सी जितनी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया बी सी, और हाइपोटेनियस कौन सा है, ए सी। समझ में आया, बी सी डिवाइड बाई ए सी मतलब क्या था, कॉस थीटा था। तो इनडायरेक्टली आप साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा लिख सकते हो। तो कुछ इस तरह फंक्शन चेंज होते हैं, कुछ इस तरह फंक्शन चेंज होते हैं। तो हर बार तो हम ये सब सोचने नहीं बैठेंगे, इसलिए पहले से ही हम डिसाइड करके रखेंगे कि जब भी इस फंक्शन चेंज करने की ज़रूरत पड़े तो फंक्शन कैसे चेंज होता है। तो देखो ये एंगल है तो ये उसका कॉम्प्लीमेंट है, थीटा अगर एंगल है तो 90 माइनस थीटा उसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट। सेम वैसे ही अगर साइन एंगल है, सॉरी साइन एक फंक्शन है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट फंक्शन बनेगा कॉस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा लेता तो कॉस 90 माइनस थीटा, तो इसकी एडजेसेंट साइड मतलब ये ए बी आती, और डिवाइड बाय हाइपोटेनियस तो ए सी है ही, और ए बी बाय ए सी क्या है, तो साइन थीटा है। तो मतलब कॉस 90 माइनस थीटा को आप सीधा साइन थीटा लिख सकते हो, ठीक है ना। तो जब भी फंक्शन चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, साइन है तो कॉस बनेगा, कॉस है तो साइन बनेगा, ठीक है। चलो तो इतना समझ में तो आ गया, अभी हम एक साथ याद रख लेते हैं। अब याद क्या क्या रखना है वो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। चेंज इन फंक्शन, जब भी फंक्शन चेंज होगा तब अगर साइन थीटा है, ठीक है, या तो साइन है सीधा फंक्शन, तो वो बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन मतलब कॉस। अगर सेक है
तो वो बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ sec मतलब cosec, और अगर tan है तो ये बनेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ tan मतलब cot। सब में देखो आगे co आएगा, ठीक है। हाँ, हर बार फंक्शन चेंज होगा नहीं, कब चेंज होता है कब चेंज नहीं होता है वो भी आपको सीखना है, ठीक है। तो फंक्शन कब चेंज होगा, फंक्शन तभी चेंज होगा जब एंगल जो है वो ये लाइन पे होगा, मतलब लाइन 90 होगा तो फंक्शन चेंज हो सकता है, 450 पे हो सकता है, 270 पे हो सकता है, 630 पे हो सकता है, ऐसे तो बहुत सारे एंगल्स हैं, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, अगर पाई बाई टू के फॉर्म में है, मतलब पाई बाई टू ऑड नंबर ऑफ पाई बाई टू, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2, तो फंक्शन चेंज होगा। और अगर ऐसे कोई एंगल रिप्रेजेंट किया गया है 0π, 2π, 3π, 4π, फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो आपको याद क्या रखना है, पहले तो यूनिट सर्कल को देख के ही समझते हैं, फिर धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, फिर ये डायग्राम की भी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ओके। तो अभी क्या समझते हैं सोचो, तो जब भी आपको आपको एक तरह से याद रख लेना है कि ये जो वाली लाइन है वो एक इंसान है और सोया हुआ इंसान है, इंसान जो है वो सो गया है या तो कोमा में चला गया है, ठीक है। ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा नहीं, और पोजीशन चेंज नहीं करेगा मतलब समझ जाओ कि वो फंक्शन चेंज करेगा नहीं। यहाँ पे ये इंसान जाग रहा है, ठीक है, तो अपनी पोजीशन चेंज करेगा, अपनी पोजीशन चेंज करेगा मतलब फंक्शन चेंज होगा। चलो इतना क्लियर, ओके। अभी एक और चीज़ नोटिस करनी है कि यहाँ पे कौन कौन से फंक्शंस पॉजिटिव है, कौन कौन से फंक्शंस कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव है, सब कुछ देखते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ऑल, ऑल मतलब साइन कॉस टेन कॉस एक्स एक्स कॉट, सारे के सारे फंक्शंस यहाँ पे पॉजिटिव हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये जो आपको डिस्टेंस है ना एक्स एक्सिस पे वो क्या दिखाता है कॉस, और वाई एक्सिस पे जो है वो क्या दिखाता है साइन। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो यहाँ से इस तरफ का डिस्टेंस पॉजिटिव, यहाँ से ऊपर की ओर का डिस्टेंस पॉजिटिव, साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव, समझना, साइन पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव, और इन दोनों का रेशियो 10, पॉजिटिव का पॉजिटिव से रेशियो लो तो 10 भी पॉजिटिव, और अगर ये तीनों पॉजिटिव है तो बाकी के तीन फंक्शन जो है वो कंपलसरी पॉजिटिव होंगे क्योंकि वो इनके रेसिप्रोकल्स है। कॉसेक क्या है, 1/sin, तो 1/ कोई भी पॉजिटिव नंबर लिखो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉसेक सेक कॉट ये सब पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई भी एंगल बन रहा है तो आपको ऑलवेज उसकी वैल्यू जो है फंक्शन के साथ जो वैल्यू निकल के आएगी वो पॉजिटिव लेनी है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव, कैसे सोचो, तो साइन है वो क्या दिखाता है वाई कोऑर्डिनेट, तो ये पोजीशन यहाँ पे कोई भी एक पोजीशन है सपोज पी, तो उसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब ये वाला डिस्टेंस नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आया तो कॉस क्या बन जाएगा नेगेटिव, ओके। तो साइन पॉजिटिव है समझना, और कॉस क्या है नेगेटिव, और इन दोनों का रेशियो 10, तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव ये भी नेगेटिव आएगा, और अगर कॉस एंड 10 नेगेटिव है तो फिर सेक एंड कॉट भी नेगेटिव होंगे क्योंकि वो उनके रेसिप्रोकल्स हैं। हाँ, कॉसेक पॉजिटिव होगा क्योंकि कॉसेक इक्वल टू 1/sin होता है, और साइन अगर पॉजिटिव है तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, यहाँ पे टी, तो यहाँ पे कौन कौन से पॉजिटिव है टेन एंड कॉट। ऐसा क्यों इस तरफ, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव आएगा, तो अगर साइन भी नेगेटिव कॉस भी नेगेटिव तो दोनों का रेशियो साइन अपॉन कॉस
टेन पॉजिटिव हो गया, और अगर टेन पॉजिटिव हो गया तो कॉट पॉजिटिव हो गया, समझ में आया। तो अगर यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में कोई एंगल बन रहा है तो टेन एंड कॉट बोथ पॉजिटिव एंड ऑल अदर फंक्शंस आर नेगेटिव। यहाँ पे सी, सी मतलब कॉस पॉजिटिव, क्योंकि वो तो एक्स कोऑर्डिनेट है। अगर यहाँ पे कोई पोजीशन है तो उसका एक्स जो कोऑर्डिनेट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, वाई कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव। तो मतलब कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव कर दो साइन नेगेटिव कर दो, दोनों का रेशियो तो फिर भी टेन नेगेटिव रहेगा, और टेन नेगेटिव तो कॉट नेगेटिव, और अगर कॉस पॉजिटिव है तो सेक पॉजिटिव। तो यहाँ पे कॉस एंड उसका रेसिप्रोकल सेक दोनों पॉजिटिव। ओके, तो ऑल एस टी सी इतना याद रखना है, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, साइन के साथ कॉसेक कंपलसरी पॉजिटिव बनेगा ही। टी मतलब टेन पॉजिटिव तो कॉट भी पॉजिटिव रहेगा, कॉस सी मतलब कॉस तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक, कॉस थीटा इक्वल टू हम लिखते हैं 1/ सेक थीटा, तो सेक भी पॉजिटिव रहेगा। ओके, चलो इतना क्लियर है। ओके, अभी जो ये चार कोऑर्डिनेट्स है, एक दो तीन और ये चार, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 1 0 इसके कोऑर्डिनेट, क्योंकि एक्स एक्सिस पे 1 और वाई हाइट तो अभी मिली नहीं। यहाँ पे जो आएगा वो 0 1, यहाँ पे जो आएगा वो -1 0, और यहाँ पे जो आएगा वो 0 -1। ये भी कॉस साइन की वैल्यू है। सपोज आपको कोई पूछे कॉस 180 डिग्री, तो 180 डिग्री यहाँ पे है ना, और जो फर्स्ट होता है वो क्या होता है कॉस, सेकंड साइन, तो ये कॉस 180 होगा -1, साइन 180 होगा 0। ये समझ में आया। सपोज आपको कोई पूछे कॉस 630 डिग्री, कॉस 630 डिग्री, तो यहाँ पे 0 आएगा आंसर, और साइन 630 -1 आएगा, क्योंकि पहला कोऑर्डिनेट कॉस रिप्रेजेंट करेगा और जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो साइन रिप्रेजेंट करता है। ओके, चलो यहाँ तक क्लियर। ये यूनिट सर्कल पूरा हमने भर दिया। अभी हम एग्जांपल लेके सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो 0 से लेके 90 डिग्री तक आपको सभी वैल्यूज पता है, 0, 30, 45, 60 एंड 90 के लिए सभी फंक्शंस की वैल्यू पता है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज समझना, आपको बोला गया साइन 210 की वैल्यू निकालो, साइन 210 की वैल्यू निकालो। हम दो मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे रखते हैं फर्स्ट मेथड, इधर रखते हैं सेकंड मेथड। साइन 210 की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए यहाँ पे फर्स्ट मेथड, यहाँ पे सेकंड मेथड। ओके, 210 गेस करो कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया एंगल बनाना, यहाँ से स्टार्ट किया 0 डिग्री, 90, 180, 270 आगे निकल गए ना, क्योंकि हमें जाना था 210 तक। तो इसका मतलब हमें 180 से आगे निकलना है बट 270 से पीछे रहना है। तो बिटवीन 180 एंड 270 अगर ये एंगल है तो यहाँ पे क्वाड्रेंट कौन सा आया, 10 क्वाड्रेंट। ओके, चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं साइन जो 210 है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 180 प्लस 30, 180 डिग्री प्लस 30। देखो मैंने अंदर एंगल कोई एंगल में कोई चेंज नहीं किया है, यहाँ पे भी 210 है, यहाँ पे भी 210 है, बट यहाँ पे 210 मैंने क्वेश्चन का लिखा है, यहाँ पे उसको थोड़ा सा सेपरेट किया है 180 प्लस 30, क्योंकि मुझे यहाँ तक आना था 180 तक। अब देखो 180 प्लस समथिंग जब भी आए पहले तो फंक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं याद करो। चलो 180 यहाँ पे है, ये इंसान तो कोमा में है,
तो अपनी पोजीशन चेंज करेगा नहीं, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा तो यहाँ पे साइन का साइन एज इट इज रखोगे, फंक्शन चेंज होगा नहीं। ओके, 180 का काम क्या था, फंक्शन चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो डिसाइड करना, वो अभी अपना काम करके निकल गया। अभी क्या बचा, 30 को एज इट इज रख दो। समझ में आया, अभी चेक करो कि ये फंक्शन की जो वैल्यू आने वाली है वो पॉजिटिव है या नहीं। तो कौन से क्वाड्रेंट में था ये, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में कौन पॉजिटिव, टेन एंड कॉट। हमारा मेन फंक्शन क्या है, साइन। क्या साइन यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। तो साइन की वैल्यू ये क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो ये माइनस साइन 30, मतलब यहाँ पे आंसर आएगा -1/2। सेकेंड मेथड देखते हैं, साइन 210 है उसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन 270-60 लिख सकते हैं, ठीक है ना। आपने फर्स्ट टाइम क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया 0, 90, 180, फिर 180 से आगे बढ़े 30 जितना। सेकेंड टाइम क्या कर रहे हो, 0, 90, 180, 270, पता चला आगे निकल गए तो 60 वापस आ रहे, तो भी हम 210 पे ही पहुँचेंगे। तो 270 माइनस मैंने कर दिया 60। अब 270 पे सबसे पहले चेक करोगे कि आपका जो फंक्शन है वो चेंज होगा कि नहीं। यूनिट सर्कल में देखो 270 यहाँ पे है, मतलब ये इंसान जाग रहा है, अपनी पोजीशन चेंज करेगा, तो साइन का चेंज क्या होगा, साइन का फंक्शन चेंज होके क्या बनेगा, कॉस। तो मैंने यहाँ पे कॉस लिख दिया। चलो 270 का काम क्या था, फंक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं वो सिर्फ चेक करना था, उसने अपना काम कर दिया, उसने आपको बता दिया कि साइन का कॉस होने वाला है, आपने कॉस लिख दिया, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तो इसको आप निकाल दो। बाकी जो बचा है एंगल उसको एज इट इज रख दो। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो आपको नहीं देखनी है, आपको सिर्फ क्या देखना है, 270 से फंक्शन चेंज हुआ तो साइन का कॉस किया, 60 एज इट इज रख दिया। ओके, अभी ये पॉजिटिव है या नेगेटिव चेक करना है, तो 270 माइनस, तो आपने यहाँ से स्टार्ट किया 0, 90, 180, 270 माइनस, मतलब इधर आए, ये कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, क्योंकि टेन एंड कॉट दोनों पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव और ये माइनस। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। देखो दोनों मेथड में आपको आंसर सेम मिलेगा। तो बाकी सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप इसी तरह करोगे। ओके, एक बार ये स्क्रीनशॉट लेके रखो, उसके बाद 2-3 एग्जाम्पल नए सॉल्व करते हैं हम। ओके, अभी एक क्वेश्चन है साइन 135 डिग्री, तो साइन 135 को भी दो मेथड में हम सॉल्व करते हैं। एक बार हम करते हैं साइन 135 डिग्री इक्वल टू साइन, चलो 90+45 लिख सकते हैं, 90 प्लस समथिंग सेकेंड क्वाड्रेंट में है, 90 है मतलब ये इंसान जाग रहा है, अपनी पोजीशन चेंज करेगा, तो साइन का क्या बन जाएगा, कॉस। तो यहाँ पे बन गया कॉस, 45 एज इट इज़ रख दो। क्यों एज इट इज़ रखा हमने, 90 का काम फिनिश हो चुका था, उसने बोल दिया था कि भाई फंक्शन चेंज करो, कर दिया। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो ऑल एस टी सी के हिसाब से एस मतलब साइन पॉजिटिव, अपना जो फंक्शन है वो पॉजिटिव है। देखो आपको ये नहीं देखना है कॉस, जो फंक्शन चेंज होके आया उसके ऊपर नज़र नहीं रखनी है, अदरवाइज आप बोलोगे कि यहाँ पे तो साइन कॉस एक पॉजिटिव, कॉस तो नेगेटिव होगा। आपको देखना है अपना मेन जो फंक्शन कौन सा है, साइन, और वो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो ये आंसर आपका पॉजिटिव में ही आएगा। ओके, तो ये बना प्लस कॉस 45 मतलब 1/√2। सेकेंड मेथड में आप ये कर सकते हो साइन 180 माइनस 45 डिग्री, तो यहाँ पे क्या करना है, साइन 180 माइनस 45 कर दो, तो साइन 45 ही हो जाएगा, क्योंकि 180 मतलब यहाँ पे है, फंक्शन चेंज होगा नहीं, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव है ही, तो प्लस 1/√2 ही आंसर आएगा। किसी भी मेथड से करो आपको सेम आंसर मिलेगा। रेडियन के फॉर्म में है तो भी आपको वही करना है,
सपोज कोई क्वेश्चन ऐसा दिया है कि सपोज आपको ऐसे बोला जाए 10 टू पाई बाई 3, तो आप क्या करोगे, 10 ऐसे लिख सकते हो पाई माइनस पाई बाई 3। देखो सेम मिलेगा आपको पाई माइनस पाई बाई 3, तो ये बन गया 2 पाई बाई 3। अब पाई माइनस समथिंग, पाई मतलब यहाँ पे माइनस समथिंग मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, और यहाँ पे पाई है तो फंक्शन चेंज होगा नहीं, यहाँ पे मैंने गलती से साइन लिख दिया था, फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो 10 है वो एज इट इज 10 रहेगा, पाई बाई 3 भी एज इट इज रख दो। और यहाँ पे देखो सेकेंड क्वाड्रेंट एस मतलब साइन कॉसेक पॉजिटिव, आपका जो 10 है वो क्या रहेगा, नेगेटिव, तो माइनस 10 पाई बाई 3, तो माइनस 10 पाई बाई 3 मतलब 10 60 डिग्री, और 10 60 डिग्री मतलब आंसर क्या आएगा आपका, सोचो रूट 3 बाई साइन 30 साइन 60 का था रूट 3 बाई 2 और उसका 1 बाई 2, मतलब ये आंसर आया रूट 3 में, ठीक है, तो ये माइनस रूट 3 आपका आंसर है। तो अगर रेडियन में दिया हुआ है तो भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, कोई भी एंगल है, सपोज आपको बोला गया है, मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, सपोज आपको बोला गया है कि कॉट और 660, तो भी आप ऐसा कर सकते थे कॉट 6630 है देखो आपके पास यहाँ पे, है ना, और प्लस 30, 630 मतलब ये इंसान जाग रहा है तो फंक्शन चेंज करेगा, कॉट का क्या बन जाएगा 10, ये 30 डिग्री हमने एज इट इज रख दिया, और 630 प्लस समथिंग मतलब यहाँ पे आए, यहाँ पे ऑल एस टी सी के हिसाब से कॉस एंड सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, तो ये नेगेटिव भी बनेगा क्योंकि ये तो कॉट है, तो माइनस 10 30, 1/√3 आपका आंसर, ठीक है। चलो तो ऐसी तो बहुत सारी प्रैक्टिस आप आगे भी आपको मिलती रहेगी, बट ये सारे जो रूल्स है, यूनिट सर्कल है, ऑल एस टी सी वाला कंसेप्ट है, फंक्शन कब चेंज होगा कब चेंज नहीं होगा, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज का लिस्ट बना देता हूँ जो आपको 11th and 12th standard में फिजिक्स में सबसे ज़्यादा, और अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो मैथ्स में कहीं ना कहीं पे हेल्प करते रहेंगे, ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लेके रखो बस, ओके। तो अभी सिर्फ आपको फॉर्मूलाज याद रखने हैं, और वो भी ज़्यादा नहीं है, देखो सिर्फ इतने ही है, अब 2 साल के लिए काम आने वाला है, तो इतने फॉर्मूलाज तो आप याद रख सकते हो। सबसे पहला देखो ये स्क्वायर वाला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद ये 2 थीटा वाले है फॉर्मूला, देखो साइन 2 थीटा है तो 2 sin θ इंटू कॉस थीटा, और कॉस 2 थीटा के 3 फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है, जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे यूज करेंगे, कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 sin² θ भी लिख सकते हो, और कॉस 2 थीटा को 2 cos² θ - 1 भी लिख सकते हो। साइन ए प्लस और माइनस बी, देखो अभी 2 एंगल आए इसलिए हमने ए एंड बी नाम दिया हुआ है, तो साइन ए प्लस और माइनस बी, तो फॉर्मूला बनेगा साइन ए कॉस बी प्लस और माइनस कॉस ए साइन बी। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस रखना है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस रखना है। कॉस ए प्लस और माइनस बी, तो फॉर्मूला में देखो पहले दोनों कॉस आएंगे, कॉस ए कॉस बी, माइनस और प्लस साइन ए साइन बी, मतलब यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस लेना है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस लेना है, ओके। उसके बाद 3 थीटा वाले फॉर्मूला, ये हमने देखे थे 2 थीटा वाले, तो अभी है 3 थीटा, साइन 3 थीटा है तो 3 sin θ माइनस 4 sin³θ, कॉस 3 थीटा है तो 4 cos³θ माइनस 3 cos θ, ठीक है। यहाँ पे जो है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले हैं, देखो एक चीज़ नोटिस करो सबसे पहले कि दोनों बार फंक्शन सेपरेट है, एंगल का डायरेक्ट एडिशन नहीं है, साइन ए अलग से है, माइनस साइन बी अलग है, यहाँ पे क्या था, साइन एक ही बार था और एंगल का एडिशन सब्ट्रैक्शन था, ठीक है। तो ऐसे कुछ फॉर्मूला आए तो आपको कुछ ऐसा करना है, साइन ए माइनस साइन बी है तो 2 cos A + B/2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू, हर एक बार एंगल में देखो फर्स्ट टाइम हम क्या कर रहे हैं, एडिशन डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाई
टू, ठीक है। तो उतना तो पहले याद रख लो कि सबसे पहले करना है एडिशन डिवाइड बाई टू, बाद में करना है सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाई टू। अब इसको याद रखने के लिए देखो, s माइनस s इक्वल टू टू सी एस, आपको ऐसे याद रखना है, घर पे बोलते ही रहना है s माइनस s टू सी एस, s माइनस s टू सी एस, ठीक है। तो साइन a माइनस साइन b आपने क्या पढ़ा था, 2cs, आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे 2 cos एडिशन डिवाइड बाई 2 मतलब a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन, अभी सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाई 2 तो a माइनस बी डिवाइड बाई 2, ओके। सेम वैसे ही s प्लस s 2sc, ठीक है, यहां पे c प्लस c तो बनेगा 2cc, और अगर c माइनस c है तो माइनस 2ss, तो ये माइनस भी भूलना नहीं है, थोड़ा दूर रखता हूं अदरवाइज आप प्लस कर दोगे, ठीक है। तो बोलते ही रहना है s माइनस s 2cs, s प्लस s 2sc, c प्लस c 2cc, c माइनस c माइनस 2ss, माइनस पहले हमने इसलिए ले लिया क्योंकि हमें यहां पे एडिशन डिवाइड बाय 2 सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय 2 एक साथ लिखना था, ओके। चलो यहां तक समझ में आ गया। अभी tan a प्लस बी के लिए फॉर्मूला है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। देखो यहाँ पे जो साइन है वो यहाँ पे आएगी, यहाँ पे जो साइन है उससे ऑपोजिट नीचे आएगी, ओके। और tan a माइनस b है तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन थी तो यहाँ पे आई, यहाँ से ऑपोजिट साइन यहाँ पे है, ठीक है। इतने फॉर्मूलाज लर्न करने हैं हर रोज़, ऐसा लगे तो अभी आप थोड़ा सा फ्री हो तो हर रोज़ रिपीट करने हैं, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, कैसे भी करके इन सब को याद कर लो ताकि आगे जाके आपको कहीं पे प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे हमारा ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट जो है बेसिक मैथमेटिक का वो फिनिश हुआ। नेक्स्ट पार्ट में हम कोई एक नया टॉपिक लेके सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ तक रखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू।